फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट नॉलेज एंड टूडे वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ वी आर एबल टू मेजर द स्टेटर रजिस्टेंस ऑफ द इंडक्शन मोटर इट मीन्स वी हैव टू मेज़र वी वॉन्ट टू मेजर द स्टेटर रजिस्टेंस जो भी स्टेटर वाइंडिंग का रजिस्टेंस है वो कैसे हम मेज़र कर सकते हैं इंडक्शन मोटर में तो वो हम ये टेस्ट द्वारा देखने वाला है ये सिंपल टेस्ट है और आप जैसे हम लेबोरेटरी में करते हैं वैसे ही है तो आप उस, उसकी तरह से भी देखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा मैंने उसी तरह से एक्सप्लेन किया है जो हम लेबोरेटरी में करते हैं वैसे ही मैंने पूरा स्टेटर रजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं वो एक्सप्लेन किया है सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो ये टेस्ट की थियोरी क्या है थियरी ये डिफाइन करती है द डीसी वोल्टेज इज़ एप्लाईड टू द इंडक्शन मोटर फॉर दिस टेस्ट मतलब डी सी वोल्टेज ये जो वी डी सी हमने दिया है वो वोल्टेज हम हमको अप्लाइड करना होता है स्टेटर को क्योंकि हम डीसी वोल्टेज थ्रू मेजर करते हैं रेजिस्टेंस और हमको क्या मिलेगा डीसी रेजिस्टेंस मिलेगा उसको हम बाद में एसी कर देंगे तो वो कैसे करते हैं ड्यू टू डीसी वोल्टेज अप्लाइड क्रिएट अ स्टेटिक फील्ड नो रोटेटिंग फील्ड इन द इंडक्शन मोटर मतलब हमने जो भी स्टेटर वाइंडिंग है मतलब ये हमारा जो स्टेटर वाइंडिंग है और ये हमारा रोटर है मतलब इधर हमारा रोटर तो मैंने इधर जो स्टेटर वाइंडिंग को सप्लाई में है डीसी सप्लाई दिया है तो डीसी सप्लाई कैसा फील्ड स्टैटिक फील्ड जनरेट करेगा जब हम थ्री फेज सप्लाई मतलब थ्री फेज सप्लाई देते हैं थ्री फेज एसी सप्लाई तभी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है डीसी सप्लाई कैसा है स्टेडी है मतलब स्टेडी फ्लक्स जनरेट होगा तो इधर कोई भी रोटेटिंग फ्लक्स जनरेट नहीं होगा इंडक्शन मोटर में ड्यू टू दिस स्टैटिक फील्ड नोट रिलेक्सन नॉट रिलेटिव मोशन विल बी क्रिएटेड बिटवीन द रोटर एंड स्टेटर मतलब आपको थोड़ा बहुत भी इंडक्शन मोटर का वर्किंग पता होगा तो आपको पता होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एन एस इज इक्वल टू वन ट्वेंटी एफ अपॉन पी की स्पीड से रोटेट होती है दिस इज कॉल्ड सिंक्रोनन स्पीड लेकिन डीसी में हमारी स्टैटिक फील्ड जनरेट होती है जो सिंक्रोनन स्पीड एन एस इज इक्वल टू वन ट्वेंटी एफ एफ पी स्पीड से नहीं रोटेट होती वो सिर्फ कॉन्स्टेंट फील्ड जनरेट करता है इसके कारण और ड्यू टू धिस डी सप्लाई देर इज देर नो रिलेटिव मोशन विल बी क्रिएटेड बिटवीन रोटर एंड स्टेटर सो नो ईएमएफ विल बी जनरेटेड इन रोटर सर्किट ये स्टैटिक कांस्टेंट फील्ड के कारण कोई भी हमारा रोटर में ईएमएफ जनरेट नहीं होता रोटर में कोई भी करंट भी फ्लो नहीं होता और ड्यू सो टू धिस डी सप्लाई देर इज नो रिएक्टन्स और देर इज नो रिएक्टन्स मीन्स नो एक्सेल कॉम्पोनेंट इन द स्टेटर एंड वी गेट ओनली रजिस्टिव सर्किट मतलब हमने डीसी सप्लाई दिया है डीसी सप्लाई मींस अभी हमारा रिएक्टिव कॉम्पोनेंट क्या है एक्सेल एक्सेल क्या होता है एक्सेल इज इक्वल टू टू पाई एफ एल होता है सिंपली आपको पता होगा तो अभी हमारी डी में फ्रिक्वेंसी क्या होती है डी में फ्रिक्वेंसी ज़ीरो होती है तो हमारा एक्सेल कंपोनेंट क्या होगा एक्सेल कंपोनेंट भी ज़ीरो हो गया तो हमारा जो आ, स्टेटर वाइंडिंग का था जो स्टेटर वाइंडिंग है वो आर प्लस एक्स दोनों से बना है रजिस्टिव भी है और रिएक्टिव भी है लेकिन एक्सेल जीरो हो जाता है क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होने के कारण डी में फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होती है तो फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होने के कारण एक्सेल कंपोनेंट जीरो हो जाता है तो मतलब हमको स्टेटर वाइंडिंग में सिर्फ ही चाहिए और वही मिलता है डीसी सप्लाई देने के कारण हमको सिर्फ़ ही ये पॉइंट वही डिफाइन करता है कि हमारा ही सर्किट में है रिएक्टेंस ज़ीरो हो गया क्योंकि डीसी सप्लाई दिया है अभी यार नेक्स्ट देखते हैं तब फिगर सोज दैट द डीसी सप्लाई इज कनेक्टेड टू टू द टू टर्मिनल ऑफ द इंडक्शन मतलब मतलब ये एक टर्मिनल और ये दूसरा टर्मिनल उसके बीच में हमें डी सी सप्लाई वी डी सी कनेक्ट किया है ये जो ए मीटर है वो वोल्ट, आ, करंट मेजर करेगा और ये वोल्ट मीटर है जो वोल्टेज मेजर करने के लिए रखा है तो इसके हिसाब से हमको रजिस्टेंस कैसे मिलेगा आर इज इक्वल टू वी बाई आई डायरेक्टली हमको ये जो रीडिंग आएंगे उसके हिसाब से मिल जाएगा मतलब अभी आपने देखा कि ये जो दो टर्मिनल है एक ये टर्मिनल और ये दूसरे टर्मिनल उसके बीच में मतलब ये जो डीसी सप्लाई कनेक्ट किया इधर से इधर मतलब ऐसे कुछ कनेक्ट करते हैं तो इसके अंदर जो भी दो वाइंडिंग होती है ये एक फ़ेज़ और ये दूसरा फेज दोनों फ़ेज़ का हमको रेजिस्टेंस मिल जाएगा मतलब इसको एक एक फेज़ के लिए फाइन करने के लिए डिवाइड बाय टू कर देना पड़ेगा क्योंकि ये जो सर्किट है मतलब मैं आपको दिखा दूँ तो ये जो सर्किट है यहाँ से करंट फ्लो होगा यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, जाएगा और ऐसे सर्किट का कुछ पाथ कंप्लीट होगा मतलब ये वाइंडिंग ये एक फेज़ और ये दो फेज लेकिन हमको क्या चाहिए पर फेज चाहिए पर फेज रेजिस्टेंस वैल्यू चाहिए तो हम डायरे डिवाइड बाय जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय टू करके हम पर फेज रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी ड्यू टू दिस इट विल मेजर द रजिस्टेंस ऑफ द टू फेज ये वही ये जो लिखा है वो वही इंडिकेट करा कि टू फेज बट वी वॉन्ट रजिस्टेंस पर फेस मतलब ये दोनों का रजिस्टेंस नहीं चाहिए हमको एक ही का रजिस्टेंस चाहिए एक ही फेस का चाहिए इसीलिए हम डिवाइड बाई टू कर देंगे तो अभी हमको ये जो प्रैक्टिकल है उसको लैब की तरह देखते हैं ये आगे देखते हैं तो उसमें क्या है वी आर मेजरिंग द डीसी रजिस्टेंस ऑफ इंडक्सन मोटर वाइंडिंग बट वी वॉन्ट ए सी रजिस्टेंस बिकॉज ए सी रजिस्टेंस ऑफ इंडक्सन मोटर इज मोर देन डी सी रजिस्टेंस ड्यू टू स्किन तो अभी आपने देखा कि ये जो इंडक्शन मोटर है वो डीसी पे तो वर्क नहीं करती और हमने क्या फ़ाइंड किया हमने डीसी रेजिस्टेंस फाइंड किया लेकिन हमको क्या चाहिए एसी रेजिस्टेंस चाहिए हमने फ़ाइंड किया देसी लेकिन हमको चाहिए एसी रेजिस्टेंस तो वो एसी रेजिस्टेंस हमको कैसे मिल सकता है तो वो हम अभी देखेंगे तो स्किन इफ़ेक्ट आप, आपको सुना आपने सुना होगा कि जो स्किन इफ़ेक्ट आती है मतलब स्किन इफ़ेक्ट में क्या होता है करंट जो मतलब आप ऐसा दिखा दो तो ये जो कंडक्टर है तो उसके बीच में से करंट कम फ्लो होता है उसकी सरफेस पे से ज़्यादा फ्लो होता है मतलब ये जो स्किन इफ़ेक्ट आती है वो एसी में ही आती है डीसी में नहीं आती है मतलब एसी डीसी में क्या होता है डीसी में यूनिफॉर्मली करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे कंडक्टर में जो ये कंडक्टर है तो उसके सभी पार्ट्स में सभी जगह पर करंट की डेंसिटी यूनिफॉर्म होती है लेकिन ए में क्या होता है सरफेस पर ज़्यादा करंट फ्लो होता है और मिडल में से सेंटर में से करंट कम फ्लो होता है तो इसके कारण स्किन इफ़ेक्ट आती है और स्किन इफेक्ट के कारण ए का रजिस्टेंस बढ़ जाता है तो वो अब देखेंगे कि हम ए सी रजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं क्योंकि हमको पता तो चल गया कि डी सी रजिस्टेंस कम है और ए सी रजिस्टेंस ज़्यादा है ए सी का रजिस्टेंस ज़्यादा है क्योंकि ए सी में स्किन इफ़ेक्ट आती है सो वी हैव टू मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ डी सी रजिस्टेंस 1.05 वन पॉइंट जीरो फाइव टू वन पॉइंट फाइव टाइम्स एंड दिस रेंज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर मतलब ये जो डीसी रेजिस्टेंस मिला हमको उसको ये इससे मल्टीप्लाई कर देना है तो हमको एसी रेजिस्टेंस मिल जाएगा लेकिन वो कैसे मल्टीप्लाई ये रेंज कैसे फ़ाइंड करने की है तो वो अभी देखते हैं कि वो रेंज कैसे फ़ाइंड करते हैं तो आपने इधर लिखा देख रहे हो आप द स्किन इफ़ेक्ट ऑफ स्किन इफ़ेक्ट फैक्टर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द मोटर बिफोर टेस्ट मतलब टेस्ट किया उसके पहले का टेम्परेचर एंड द टेम्परेचर ऑफ द मोटर एट द मोमेंट ऑफ टेस्ट मतलब जब टेस्ट चल रहा है उसका टेम्परेचर और जब टेस्ट के पहले का टेम्परेचर वो दोनों का टेम्परेचर मेज़र कर लेने का और ये इक्वेशन में रख देने का मतलब ये जो इक्वेशन में लिखेंगे तो हमको इसका आंसर कुछ इस इस रेंज में मिलेगा 1.05 टू 1.5 रेंज में मिलेगा तो इसमें से जो हमने फाइंड किया और हमको 1.2 मिला बाय दिस इक्वेशन हमने ये सब कुछ रखा ये कांस्टेंट भी रखा फॉर कॉपर क्योंकि कॉपर वाइंडिंग होता है तो हमको लास्ट में 1.2 फैक्टर मिला तो ये जो फैक्टर होता है हम हमने जो मेज़र किया डीसी सी उसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर देने से हमको एसी सी रजिस्टेंस सिंपली मिल जाएगा और एसी सी रजिस्टेंस ऑफ द स्टेटर वाइंडिंग ऑफ इंडक्शन मोटर तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो ये फार्मूला है स्किन इफेक्ट की जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फाइंड करने के लिए तो टी एस प्लस के प्लस uh, t t k. और डिवाइड बाई टी टी प्लस के और के क्या है हमारा कांस्टेंट है और वो कॉपर के लिए क्या है टू थर्टी फोर पॉइंट फाइव आई होप यू अंडरस्टैंड तो अभी हम लैब में क्या करते हैं ये जो वी डी सी है वो ये है हमारा और जो करंट आई डी सी है वो ये है हमारा तो हम क्या करते हैं मतलब वी डी सी ये है ये जो वी डी सी है वो सप्लाई ये है ये मेज़रमेंट के लिए वोल्टेज और करंट ए मीटर तो हम क्या करते हैं वी की वैल्यू इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करते जा रहे हैं आप देख रहे हो इंक्रीज़ हो रही है उसके हिसाब से हमको करंट ये जो मिलेगा आई मिलेगा तो इसके हिसाब से हमारा कुछ ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसके हिसाब से कुछ ऐसा ग्राफ आएगा और उसमें उसका स्लोप फाइंड करके हम डायरेक्टली आर मतलब जो डी सी है क्योंकि ये ये टेस्ट करने से तो हमको डी सी ही मिलेगा क्योंकि हमने डी सी सप्लाई यूज़ किया है तो आ, आगे देखते हैं उसकी फार्मूला क्या है कैसे फाइंड करते हैं तो ये हमारा लैब में ऐसा करते हैं हम कि वीडीसी जो सप्लाई देते हैं और आईडीसी हमको यहाँ से मिल जाता है तो ये लैब में ऐसा करते हैं इसलिए तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि लैब में कैसे करते हैं ये टेस्ट वो हमको समझना है तो कैल्कुलेशन क्या है आफ्टर अप्लाइंग द डी वोल्टेज टू द टर्मिनल ऑफ द स्टेटर वाइंडिंग मतलब कोई भी दो टर्मिनल के बीच में हमने जो भी डी सप्लाई दिया है आपने अभी आगे देखा उसी तरह स्टेटर वाइंडिंग के दो टर्मिनल एंड टेकिंग द रीडिंग ऑफ द वोल्टेज एंड करंट हमने देख लिया पूरा टेबल वी डी और ए का इधर वी डी था उसको इंक्रीज़ करने से हमको कैसा करंट मिलता है वो रिलेशनशिप बिटवीन एंड उसका बीच का ग्राफ प्लॉट करना है और उसके बाद आर डी सी फाइन करने के लिए स्लोप फाइन करना है स्लोप सिंपल फाइन कर देते हैं जो इधर वी डी सी हो और नीचे आई डी सी का स्लोप फाइन करते हैं तो ये कुछ ऐसे फॉर्मूला से फाइंड कर दिया जाता है ये वी टू माइनस वी वन मतलब ये जो वैल्यू होगी हमारी ये वी टू हो जाएगी और इधर जो वैल्यू आएगी वो हमारी वी वन हो जाएगी सेम इधर नीचे आए इसको डॉटर से एक्सटेंड कर दो ये हमारा आई वन हो जाएगा और ये हमारा आई टू हो जाएगा ये पूरा आई डी सी का वैल्यू लिखे निकाह तो ये जो सिंपल हम ग्राफ फ्लोट करते हैं और फ्लो फाइंड करते हैं ये तो सिंपल है आपको पता होगा लेकिन लैब में हम ऐसे फ़ाइंड करते हैं इसीलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया तो इधर से हमको आर डी सी की वैल्यू मिलेगी अभी हमारा जो स्टेटर कनेक्शन है वो स्टार कनेक्शन है तो उसके लिए हमको पर फेज़ पहले ही मैंने बोला था कि हमको पर फेज़ रजिस्टेंस चाहिए और ये पर फेज़ डी सी रजिस्टेंस है तो वो क्या करेंगे डिवाइड बाई टू कर देंगे क्योंकि दो फेज़ आते थे मैंने आपने पहले भी देखा होगा कि जो हमारी सर्किट थी ऐसी कोई सर्किट थी आ, मैं दिखा दूँ सर्किट आपको तो ये हमारी सर्किट थी और हमने वी इधर दिया था तो आपने देखा ये दो फेज़ आ रहे हैं ये एक फ़ेज़ और ये दूसरा फेज़ मतलब हमको एक ही फ़ेज़ का रेजिस्टेंस चाहिए ये तो डिवाइड बाय टू करने से हमको सिंपली मिल जाएगा क्योंकि ये हमारा क्या है स्टार कनेक्टेड है स्टार कनेक्टेड है इसीलिए हमको ये मिल गया लेकिन डेल्टा में क्या होता है वो अब देख लेते हैं और जो हमारा स्टेटर डेल्टा कनेक्टेड होता है तब हम क्या करते हैं कुछ भी नहीं हमको आर वन डी सी करने के लिए सिंपली जो आर डी सी आता है जो हमने मेज़र किया है उसको थ्री उसको मल्टीप्लाई थ्री करना का है और डिवाइड बाई टू करने का है तो हमको ये पर फेज़ डी सी मिल जाएगा और डेल्टा कनेक्टेड के लिए ये हमारा डेल्टा कनेक्टेड के लिए मिल जाएगा और ये हमारा स्टार कनेक्टेड के लिए स्टार में डायरेक्टली डिवाइड बाई टू कर देना है और डेल्टा कनेक्टेड में जो हमारा स्टेटर वाइंडिंग रहता है तब आर वन मतलब पर फेस डी रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय थ्री और डिवाइड बाय टू करना है और स्किन इफेक्ट की रेंज इसके बीच में रहती है मतलब अभी जो स्किन इफेक्ट आएगी वो रेंज हमने वो आगे फॉर्मूला देखी उसी तरह वो जो जो भी हमको मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिल जाता है उसको आर वन डी से मल्टीप्लाई करने के आर वन मतलब जो आर वन आता है वो हमारा ए सी वैल्यू ऑफ स्टेटर रेजिस्टेंस ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर मिल जाएगा लेकिन कैसा पर फेज इधर पर फेज़ लिखा होना चाहिए क्योंकि वो हमको पर फ़ेज़ मिलेगा आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इनफाइनाइट नॉलेज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो